हाय गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले इस जी शेप ब्लूटूथ स्पीकर को, या फिर हम इसे जी शेप लैंप भी कह सकते हैं। बीच में ये काफी पॉपुलर हुआ था और काफी लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं, और मुझे ये पर्सनली देखने में काफी कूल लगा और काफी पसंद भी आया, तो फाइनली मैंने इसे ऑर्डर कर ही लिया। ये देखने के लिए कि हमें इसके अंदर ऐसा क्या क्या मिलता है जो इतना पॉपुलर हुआ था ये, तो भाई आप देख सकते हैं ये हमें कुछ ऐसे बॉक्स में यहाँ पे डिलीवर हुआ है। इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। वैसे मैंने इसे खरीदा है फ्लिपकार्ट से, और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे मिला है 1600 रुपीज में। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसकी बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है। तो अगर हम इसका बॉक्स देखें तो आप देख सकते हैं हमें बॉक्स के ऊपर हमें यहाँ पे हमारा स्पीकर ही यहाँ पे विजिबल हो जाता है। यहाँ पे ये G11 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे LED वायरलेस चार्जिंग स्पीकर, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो सारी चीजें, जैसे कि म्यूजिक रिंगटोन, वायरलेस चार्जिंग, 7 कलर सिलेक्शन, क्लॉक अलार्म, क्लॉक FM रेडियो, इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। ये हमें 15 वॉट का स्पीकर यहाँ पे मिलता है भाई। इधर के साइड में हमें सेम चीजें ही मिलती है, और यहाँ पे इसके कुछ हमें स्पेसिफिकेशन मिलते हैं जिसे कि आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इधर के साइड इसको हमें मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना होता है वो सारी चीजें मिलती है। तो भाई हमारा स्पीकर, ये स्पीकर देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, तो चलिए इसे बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं हमें स्पीकर के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बॉक्स को यहाँ पे खोल लेते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे बॉक्स को खोलते हैं तो आप देख सकते हैं हमें हमारा यहाँ पे ये लैम्प या स्पीकर, हम जो कह सकते हैं, वो कुछ ऐसे बबल रैप में मिलता है भाई। इसके साथ हमें इसका एक मैनुअल और एक चार्जिंग केबल भी मिलती है भाई। ये दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है, और आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे जी शेप ही लग रहा है। ये यहाँ पे हमें ये पूरा स्पीकर व्हाइट कलर का मिलता है, और नीचे के साइड में इसके अंदर 4 पेयर भी मिलते हैं इसको ऐसा कुछ खड़ा करने के लिए भाई। ये आप टेबल पे, ऑफिस टेबल पे, किसी भी जगह रखेंगे तो ये काफी कूल लगेगा। यहाँ पे हमें सामने के साइड काफी सारे इसके अंदर बटन्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं, और पीछे के साइड हमें 4 पोर्ट मिलते हैं, एक टाइप सी का जो कि इसको चार्जिंग करने के लिए हमें ये केबल से इसे चार्जिंग करना होता है। ये केबल हमें Type-C to USB मिलती है। यहाँ पे USB और यहाँ पे हमें ऑक्स, और यहाँ पे इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड को भी डाल सकते हैं उसके अंदर सॉन्ग्स भर के, और भाई जो कौन सा पोर्ट कौन सा है वो उसके नीचे लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे हमें ऊपर के साइड इसके अंदर वायरलेस चार्जर भी मिलता है, मतलब आप इसके ऊपर मोबाइल को रखकर चार्ज भी कर सकते हैं भाई। ये दिखने में मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। और सामने के साइड हमें इसके अंदर एक क्लॉक भी मिलती है, और नीचे के साइड हमें इसके अंदर 2 गोल स्पीकर भी मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई। ये स्पीकर मुझे काफी पसंद आया, और मैं वैसे अपने लिए एक ब्लूटूथ स्पीकर भी ढूंढ रहा था, तो ये स्पीकर मुझे देखने में काफी बढ़िया और काफी पसंद भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये स्पीकर तो मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो इसे ऑन करने के लिए हमें ये बटन जो पहला वाला है इसे कुछ ऐसे दबाकर रखना होता है। तो यहाँ पे हमारा स्पीकर चालू हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसने जैसे चालू हुआ तो एक काफी अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस किया, और इसके अंदर यहाँ पे येलो कलर का लाइट भी जलना चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें काफी बड़ा यहाँ पे सर्कल, पूरा सर्कल तो नहीं पर सर्कल इस लाइट मिलता है, और इसके लाइट चेंज करने के लिए हमें जिस बटन से हमने चालू किया उसे ऐसा कुछ सिंगल क्लिक करेंगे तो इसके लाइट्स भी यहाँ पे चेंज होते हैं। आप देख सकते हैं भाई इसके लाइट से यह काफी बढ़िया दिख रहा है, और इसके अंदर हमें 7 अलग अलग टाइप के लाइट्स मिलते हैं जो कि अलग अलग पैटर्न में फ्लो होते हैं, आप देख सकते हैं। और भाई ये बटन के सिंगल क्लिक से ये लाइट चेंज होते हैं, और अगर हम इसे दबा कर रखेंगे तो ये चालू बंद होता है। ये जो दूसरा वाला बटन है इससे हम इसके अंदर जो गाना चल रहा है उसे पॉज कर सकते हैं सिंगल क्लिक पर, और अगर हम इसे दबा कर रखेंगे तो भाई हम इसके अंदर जो ये हम अलार्म सेट करते हैं उसका हम वो अलार्म बजने के टाइम कौन सा साउंड या फिर कौन सा गाना इसने इसके अंदर बजना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। दूसरी बार अगर हम दबा कर रखेंगे तो इसके अंदर हमें FM रेडियो भी मिलता है, और इसके सिंगल क्लिक पर ये नए नए चैनल पे भी ढूंढता है। वैसे भाई अभी ये कौन सा चैनल तो ढूंढ नहीं पा रहा है जिसके अंदर गाने बज रहे हैं, तो चलिए इसे जाने देते हैं। और फिर से हम अगर इसे सिंगल क्लिक नहीं दबा कर रखेंगे तो इसका ब्लूटूथ भी यहाँ पे चालू हो जाएगा भाई। उसके बाद जो इधर का बटन है इससे हम इसका टाइमर भी चालू कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 3 टाइमर मिलते हैं, एक 15 सेकंड का, एक 30 सेकंड का, और एक 60 सेकंड का, मतलब 1 मिनट का। बाद में ये जो 2 बटन है इससे हम नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग भी यहाँ पे चालू कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग भाई।
और अगर ये सिंगल क्लिक पर, और अगर हम इसे दबा कर रखेंगे तो इससे इसका आवाज बढ़ता है और इससे इसका आवाज कम होता है। तो भाई ये दोनों बटन दो काम कर सकते हैं। बाद में ये जो बटन है इससे हम अलार्म सेट कर सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं इससे कुछ हम ऐसे अलार्म सेट कर सकते हैं। और ये जो आखिरी वाला बटन है इससे हम इसके क्लॉक को भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे दबाएंगे तो आप देखना अभी 8:45 हो रहे हैं, मैंने एक बार दबाया तो यहाँ पे 8 सिलेक्ट हो चुका है। इससे हम जो ये प्लस माइनस जो वॉल्यूम बढ़ाने का बटन है उससे ही हम ये चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे। ये क्या चल गया? हाँ चलिए ऐसे कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। भाई इसमें ये टाइमर लगा रहा है। हाँ ऐसे कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप देखते हैं ये 12 पे हो गया, और ऐसे हम फिर से क्लिक करेंगे तो मिनट में शिफ्ट हो जाएगा। वहां से भी हम कुछ ऐसे से चेंज कर सकते हैं। भाई ये मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। भाई आप इसे अपने टेबल पर या फिर बेड के बाजू में या फिर नाइट लैम्प बोल के भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि काफी यूजफुल है। तो भाई इसके अंदर हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो अगर मैं आपको बताने बैठ गया तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको मेन मेन फीचर्स तो बता दिए हैं, और इसका लाइट देखने में काफी बढ़िया भी लग रहा है। तो चलिए हमारे लाइट्स को बंद करते हैं और अंधेरे में देखते हैं ये लाइट देखने में कितना और भी कूल लगता है। तो भाई चलिए ये चुटकी बजाने पे हमारे लाइट बंद हो जाएंगे। तो भाई देखा चुटकी का कमाल, चुटकी बजाते ही लाइट बंद हो गए। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई अंधेरे में देखने में काफी बढ़िया और काफी कूल भी लग रहा है। वैसे भाई ये काफी बढ़िया, इसके जो लाइट से फ्लोट कर रहे हैं ये पैटर्न भी मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें अलग अलग लाइट्स मिलते हैं, जैसे कि ये रेड लाइट, और भाई इसके लाइट का उजाला भी काफी अच्छा है। आप इसे नाइट लैम्प बोल के भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भाई। और भाई इसका क्लॉक को भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें डिजिटल क्लॉक भी मिलता है, तो ये काफी अच्छे से टाइम भी बताता है। आप देख सकते हैं हाँ काफी अच्छे से टाइम भी बताता है। तो चलिए भाई फिर से हमारा लाइट को चालू करते हैं। तो भाई फिर से चुटकी बजाते हमारे लाइट यहाँ पे चालू हो चुके हैं। तो भाई आपने देखा कि भाई ये अंधेरे में काफी बढ़िया लग रहा था, मुझे तो काफी पसंद आया। पर भाई इसकी थोड़ी सी क्वालिटी मुझे यहाँ पे ये लगी, देखिए आप ये कुछ ऐसा नीचे दब रहा है। वैसे कोई इतनी बुरी भी नहीं है इसकी क्वालिटी, इसके प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया क्वालिटी है। भाई चलिए अब हम इसे मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं, और इसके अंदर थोड़े बहुत यहाँ पे गाने बजाते हैं और देखते हैं इसके स्पीकर का आवाज हमें कैसा मिलता है। तो भाई चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ब्लूटूथ का नाम है G11, तो यहाँ पे हम इसे ब्लूटूथ से ही कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ तो भाई ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब इसके अंदर थोड़े बहुत हम यहाँ पे गाने बजा कर देखते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आवाज तो काफी बढ़िया मिलता है, और अगर हम इसका आवाज पूरा बढ़ाए, यहाँ पे गाना स्किप हो गया मुझे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आवाज हमें काफी बढ़िया मिलता है, और काफी ठीक लाउड तो उतना नहीं है पर आवाज ठीक ठाक है और काफी क्लियर भी आ रहा है, आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो भाई अभी हमने बजाया ब्लूटूथ से, चलिए अब इसको केबल से कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं आवाज में कुछ फर्क पड़ता है क्या। तो भाई यहाँ पे फाइनली मैंने केबल से तो इसको कनेक्ट कर दिया है, चलिए अब बजा के देखते हैं। नहीं भाई केबल से तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आप इसे मोबाइल को ब्लूटूथ से ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये यूएसबी मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने पेन ड्राइव के लिए दी है। वैसे भाई इसका आवाज तो मुझे काफी बढ़िया लगा, उतना लाउड नहीं है पर आवाज काफी क्लियर है। ये लैंप मुझे तो काफी पसंद आया, आपको ये लैंप कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसकी सबसे बेस्ट चीज मुझे इसकी लाइटिंग लगी, भाई ये काफी कूल लग रही है, आपने देखा अंधेरे में काफी बढ़िया भी लग रही थी। ये लैंप मुझे तो काफी पसंद आया, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसकी बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई ऐसे ही कमाल कमाल के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट और उसकी अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।